नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉकनाइज के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर के बारे में, जो कि अभी 265 पर ट्रेड कर रहा है और लगभग यहाँ 15% की गिरावट इस शेयर में आ चुकी है। हल्का फुल्का सा रिकवर हुआ है ये शेयर नीचे से, लेकिन ऐसा क्या कारण था? देखिए, कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है स्टॉक में, जो ये शेयर इतना तेज़ी से नीचे गिरा है। और क्या आने वाले समय में वो और तेज़ी से गिरेगा? क्या है आपकी पोजीशन? क्या आपको बाय करना चाहिए, यहाँ से बेच देना चाहिए? सभी तरह के सवालों को जवाब मिलेंगे यहाँ पर। करेंगे हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, साथ साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी हुई है शेयर के इसमें, तो इसी के चलते यहाँ पर ये शेयर गिरा है। तो चलिए पहले टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर गिरावट आ रही है तो रुकेगी कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी ना गिरावट। और हमें अगर रुकेगी तो फिर क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल हमारे पास जो है 226 रुपये के ऊपर सपोर्ट है, जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो नज़र आता है वो है यहाँ पर 159 रुपये। तो जी हाँ, इतना भी गिर सकता है शेयर, ऐसे काम हुए शेयर में जो गिर सकता है आने वाले समय में, हम देखेंगे। अभी 400 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो मतलब कि देखेंगे आने वाले दिनों में कब तक 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये रहता है। 45 रुपये की मंदी आ चुकी है शेयर में। तो चलिए, पहले तो हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या टेक्निकल सपोर्ट कहाँ कहाँ है, और चलिए न्यूज़ पर चलते हैं। न्यूज़ में है फोर्टिस शेयर सिंक 20% मलेशियन फर्म ऑफन ऑफर रिमेन होल्ड, यानी कि इससे कुछ समझ नहीं आ। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं क्या दिक्कत परेशानी है। 16% से टूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके मालिक थे सिंह ब्रदर को 6-6 महीने की सज़ा सुनाई है। मामला क्या था? मामला ये था कि जो ये फोर्टिस हेल्थ केयर में किसी कंपनी ने यहाँ पर 29% हिस्सेदारी खरीदी थी, 26% हिस्सेदारी खरीदी थी, और वो ओपन ऑफर ला कर देखिए यहाँ पर जा शुरू हुई है, और इसके बाद 6 महीने में ले आया सजा। देखिए, मलेशियन फर्म IHH हेल्थ केयर ने 2018 में फोर्टिस की 31% हिस्सेदारी खरीद ली थी। अब वो कंपनी क्या चाह रही थी कि 26% जो हिस्सेदारी है इस कंपनी की, वो ओपन ऑफर लाकर वो मार्केट से खरीद लेगी। जैसे किसी ने 31% हिस्सा खरीद लिया है किसी कंपनी का, तो अब उसके पास अगर पैसा है, वो चाहे तो जितने बाजार में शेयर हैं वो शेयर खरीद के अपनी जो हिस्सेदारी उस कंपनी में ज़्यादा कर सकती है। ऐसे ही NDTV में हुआ था अभी, कि अडानी ने पहले तो कुछ कंपनीज किसी और कंपनी के थ्रू NDTV के शेयर खरीदे, और बचे हुए शेयर को उसने ओपन ऑफर से खरीदने जा रही है। तो ऐसे ही ये कंपनी करने जा रही थी। तो मलेशियन फर्म ने 1.1 अरब डॉलर देकर फोर्टिस में हिस्सेदारी खरीदी थी, पर जो कंपनी के जो बोर्ड थे उन्होंने वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी, और जो हिस्सेदारी थी उनके पास वो वहाँ पर उन्होंने गिरवी रख दी थी। 17 लाख के शेयर हेल्थ केयर के शेयर 17 लाख शेयर गिरवी रख दिए थे सिंह ब्रदर ने, जो कंपनी वाले खिलाफ। तो उसी के लिए ये लोग यहाँ पर सिंगापुर में आर्बिट्री कोर्ट है उसमें चले गए थे, यहाँ पर IHH। फिर सिंगापुर में जाकर इन्होंने यहाँ पर आर्बिट्री फंड जो होता है, जो यहाँ पर विदेशी मामलों या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो बिजनेस के मामलों के लिए, उसने वहाँ पर कहा था कि सिंह ब्रदर या फिर फोर्टिस वालों को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, 25,000 करोड़ रुपए का जो हर्जाना चुकाना पड़ेगा, और साथ साथ 4.44 ब्याज के साथ चुकाना होगा। तो इसी मामले को लेकर अब वो लोग जो सिंगापुर की कोर्ट के फैसलों लेकर सिंह ब्रदर थे, यानी कि ये फोर्टिस वाले, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, वहाँ पर जो फैसला सिंगापुर कोर्ट में हुआ था, उसी को मान्य किया है, और अब ये कह दिया है कि जो ओपन ऑफर आना है, अब वो IHH जो ओपन ऑफर लाकर बाकी शेयर खरीदेगी फोर्टिस के, उसका फैसला करेगी दिल्ली हाई कोर्ट। मतलब उसने कह दिया है कि यहाँ पर 6-6 महीने की सज़ा दे दो उन्हें, जो जिन लोगों ने गड़बड़ की है, ठीक है, 6 महीने की सज़ा दे दो, और बाकी जो फैसला है वो देगी हमारी जो दिल्ली हाई कोर्ट है, वो सुनाएगी कि जो ओपन ऑफर लाना है या नहीं लाना है। तो इसी तरह से काम होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं समझा देता हूँ एक बार से। फिर भी ये थोड़ा सा धोखाधड़ी टाइप का हुआ,
जब कोई कोई किसी कंपनी में कोई स्टेक खरीद लेता है तो उसके पास चांस होता है कि बाकी शेयर भी खरीद ले जनता के द्वारा, मतलब कि एक एक तिहाई हिस्सा, एक चौथा हिस्सा से ज़्यादा इसके पास शेयर है, 25% से ज़्यादा शेयर है किसी के पास, तो उसके पास चांस है कि बाकी शेयर भी खरीद ले अगर उसके पास पैसा है तो, पैसा आया तो खरीद सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब कंपनी के मालिक ने उसको हिस्से को गिरवी रख दिया, जबकि उनके पास गिरवी रखने का कोई भी उनके पास हक नहीं था क्योंकि दूसरा ओपन ऑफर लाने वाला था। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्री फंड जो है सिंगापुर, उसने भी IHH जो मलेशियन फर्म है उसके ही बिहाफ पर उसके हक में फैसला दिया था। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मालिक हैं फोर्टिस वाले, उन्होंने गलत किया है IHH के साथ, तो अब IHH हेल्थ केयर केस जीत गई है। इसी के चलते ये शेयर यहाँ पर इतना टूट रहा है। मौका देखना होगा, क्या ये मौका है या फिर अभी तो मतलब मौका है, ये धोखा है, ये आप लोगों को फैसला करना है। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि शेयर अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि जैसे ही फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आएगा फोर्टिस के बारे में कि फोर्टिस के जो ओपन ऑफर ला सकती है नहीं ला सकती है मलेशियन फर्म, तो मलेशियन फर्म के इस अगर फिर से हक में फैसला आता है तो फिर वो लोग बाकी शेयर भी खरीदेंगे, जिसके चलते शेयर में उछाल आ सकता है। लेकिन आप लोगों को सावधान रहना है कि बड़े बड़े प्लेयर जो भी होंगे इसमें वो लोग निकल के जा चुके होंगे, उन्होंने इतना बेचा है तभी इतना नीचे आया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी अगर आपके जो शेयर हैं वो तो आप लोग निकाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। जब कोर्ट केस होते हैं तो 2 साल में तो ये फैसला आया, अभी देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट कितने दिनों में वो फैसला देती है, इसका भी हमें इंतज़ार करना होगा। जो सभी न्यूज़ है वो पब्लिक डोमेन में है, मैं आप लोगों को दोनों ही आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों आर्टिकल के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके विस्तार से पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ मेरे से छूट गई है तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं। बाकी बात यहां पर टेक्निकल पर हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास जो जो सपोर्ट है उसके आसपास हमें दोबारा से रिकवर होता नज़र आता है, शेयर हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसी रिस्की कंपनियों से बचना चाहिए भैया, पैसे लगाने हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कंपनी मिल जाएंगी, वहाँ पर आप लोग पैसा लगा सकते हैं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी आप लोगों को एजुकेट करना है, आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, आप लोगों को यहाँ सेल्फ डिपेंड बनाना है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस सीखें और आप खुद से ट्रेडिंग कर पाएँ, खुद से आत्मनिर्भर बन के अपने आप फैसले ले पाएँ, अपने आप चार्ट रीड कर पाएँ। इसी के चलते हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्स लेके आए हैं, ताकि आप लोग चार्ट रीड कर सकें, डाटा रीड कर सकें, बैलेंस शीट रीड करें, सब चीज़ आप लोग रीड करके अपने फैसले खुद भी ले पाए। देखिए आंकड़ों का खेल है, आपको पढ़ना आना चाहिए, आप लोग ले लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी पेशेंस जो है वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बनेगा। इसी के लिए हम लोग आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स लेके आ रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं देना आप लोगों को, बस यहाँ से मेहनत करनी है सीखने में और मेहनत में आपकी हम सहायता करेंगे। तो आप लोगों को हमारी इस मुहिम से, ज्ञान को फ्री बांटने की मुहिम से आप लोगों को हमारे जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ इन वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचाना है जो सच में जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो सीखना चाहते हैं चार्ट रीड करना, पढ़ना, समझना, उन लोगों तक आप लोगों को वीडियो पहुँचानी है अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी एजुकेट होकर आगे बढ़ सकें। सब बढ़ेंगे तभी तो हम भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम एक एक का हेल्प करेंगे तो सब बढ़ेंगे, हमारा भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। आप लोग इसी मुहिम से जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी स्क्रीन पर दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की। जल्दी जल्दी जाइए उन सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे फिर अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।